ओके सो गाइस, आज अपन खेलने वाले मिस्ट्री व्हील चैलेंज। गाइस इसमें ये रहा हमारा मिस्ट्री व्हील। गाइस तो हम इस व्हील को घुमाएंगे और जैसा कि आप देख सकते हो इसमें सारे खतरनाक मॉन्स्टर के इमेजेस हैं। तो गाइस फॉर एग्जांपल हमने इसे घुमाया और गाइस ये घूम रहा है और फिर ओ भाई गाइस में हगी का चेहरा आया। तो अब क्या कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस हमारे व्हील में हगी का चेहरा आया है, तो भाई हमें पहले तो गैस करना है कि इन तीनों में से कौन सा डोर हगी का हो सकता है। तो क्योंकि मुझे ये वाला लग रहा है मैं इसमें जाऊंगा। और गाइस जैसे ही अपन डोर में घुसेंगे अपन कहीं दूसरे डायमेंशन में आ जाएंगे और फिर हमें सिर्फ 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अगर हम 2 मिनट के अंदर हगी को खोज लेते हैं उस डायमेंशन में घुस के, मतलब गाइस वो मैंशन में छुप सकता है, फॉरेस्ट में छुप सकता है, वो कहीं भी छुप सकता है और हमें उसे 2 मिनट में खोजना है। अगर हमने खोज लिया भाई तो फिर हमें जो चाहे वो मिल सकता है, लेकिन अगर हमने नहीं खोज पाया तो गाइस फिर हगी को जो चाहिए वो मिल जाएगा और वो थोड़ा रिस्की है भाई, तो मेरे को वो तो नहीं चाहिए, तो अपन खोजने की ही कोशिश करेंगे। तो गाइस चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके तो जल्दी बताओ कि तुम सब में से सबसे पहले कौन जा रहा है। तुम ही जाओगे क्या? मैं जाऊंगा वही तो, हमारा बुद्धू बहुत बना लिया, अब खुद जाके दिखाओ। अरे भाई साहब गाइस ये लोग अपने को हल्के में ले रहे, लगता है अब अपने को ही घुमाना पड़ेगा। चलो ठीक है व्हील घुमाते हैं, 3 2 1 लेट्स गो। ओके 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 भाई साहब क्या आने वाला है, क्या आने वाला है देखना पड़ेगा। गाइस सांसें तेज हो रही है। ओ भाई हगी हगी, गाइस हगी ही आ गया भाई। वो तो मैंने एग्जांपल में आप लोगों को बताया था, लेकिन यहाँ पे रियल में भी हगी आ चुका है। तो ठीक है गाइस पहले तो अपने को गैस करना है कि हगी का डोर कौन सा होगा। गाइस ये गैसिंग गेम भी गलत हो सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू वॉल है मुझे शक हो रहा है कि शायद इसके पीछे हम सीधा हगी के डायमेंशन पे घुस जाए गाइस, और उसके डायमेंशन पे घुसने के बाद उसे खोजना भी पड़ेगा गाइस। और उसे खोज लिए तो भी प्रॉब्लम, नहीं खोजे तो भी प्रॉब्लम भाई, वो बंदा आफत की पुड़िया है और तुम एक नन्ही सी गुड़िया हो। अरे भाई तू चुप कर यार। चलो चलते हैं गाइस, 3 2 1 लेट्स। एक मिनट गाइस अपन आ चुके हगी के जगह पे, और एक मिनट ऊपर देखो हमारा 2 मिनट स्टार्ट हो गया। ओ भाई हमारा 2 मिनट इतनी जल्दी स्टार्ट कैसे हो गया, ये गेट कैसे गिर रहा है। भाई हगी तू जहाँ कहीं भी है मैं तुझे ढूंढ लूंगा। गाइस टाइम लिमिट ना भाई, मेरे को टाइम लिमिट के कारण ना गाइस बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अपने को ना गाइस सबसे पहले तो पैनिक नहीं करना है। इतना पैनिक करके बोल रहे हैं, पैनिक नहीं करना है। अरे तेरी आवाज कहाँ से आ रही है मेरे को? मैं तुम्हारे मन की आवाज हूँ। अरे भाई तू चुप कर जा गाइस, मैं हगी को ढूंढू ना ढूंढू चॉप को तो ढूंढ के निपटा ही दूंगा। गाइस ये जगह बहुत बड़ी है और टाइम अपने पास काफी कम है, तो मैं ये सोच रहा हूँ गाइस ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके अपन सीधा मेन जगह पे जाके देखते हैं। जैसे कि ओके ये कोई मेन जगह नहीं है, लेकिन गाइस ये जगह इतनी बड़ी है तो इसका एक फायदा ये है कि अपन भाई तोड़ फोड़ के कुछ भी कर सकते हैं। एक मिनट भाई ये कोई सीक्रेट डोर, अरे भाई यहाँ के सारे डोर इतने अजीब क्यों है। गाइस भाई ये हगी जहाँ भी रह रहा है यहाँ पे तो भाई साहब मतलब बंदा बहुत ऐश कर रहा है गाइस, लेकिन अपने को इसके ऐश और कैश नहीं देखना है, हम लोग को सीधा हगी ही ढूंढना है ठीक है। तो बता क्या रहे हो, ढूंढो टाइम भी कम है। अरे ठीक है अरे भाई सारे डोर क्या है भाई गिरे जा रहे, वो सब छोड़ो एक मिनट इसके नीचे तो नहीं होगा, आउट करके देखते। ओके यहाँ भी नहीं है। गाइस अगर हगी हमें नहीं मिलता है ना तो भाई बुरा फंसेंगे। गाइस शिट टाइम भी कम है, रुक जाओ हगी मिल जा, क्योंकि गाइस अगर वो नहीं मिलता है तो वो हमसे कुछ भी कराएगा। एक मिनट स्विमिंग पूल वो भी यहाँ पर। गाइस वैसे मुझे हगी काफी बार पानी के अंदर तो मिला है, लेकिन ये पानी इतना ज्यादा ब्लू है ना गाइस कि अगर हगी इसके अंदर है भी तो भी मुझे शायद ही दिखेगा, अनलेस एंड अनटिल मैं सब जगह चेक नहीं कर लेता भाई कलर। ओके ओ भाई ये देखो बंदा अंदर छुपा था भाई साहब। गाइस अगर मैं नीचे नहीं आता तो भाई से पकड़ ही नहीं पाते अपन। लेकिन गाइस भाई छुपा तो एकदम सही था बंदा, लेकिन आपको पता है ना गाइस अपन जो चाहे हो जाता है अपने से, मतलब गाइस इस गेम पे तो अपन अभी प्रो बन ही चुके हैं, और इस बात पे गाइस एक सब्सक्राइब तो बनता है यार। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब करो, और भाई अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो गाइस एक लाइक भी कर देना। ओके गाइस क्योंकि हमने इसे ढूंढ लिया है तो बंदा वापस आ चुका है, और गाइस अब हमें इसे कुछ भी करने को देना है, मतलब अपन से कुछ भी करा सकते हैं समझ रहे हो आप। कुछ भी तो फिर एक काम करो, इसे काम पे लगा लो, मेरी पार्टी सर्व करने वाला भी तो कहीं चाहिए। हाँ गाइस आइडिया बुरा नहीं है, मतलब देखो अगर चॉप की पॉटी साफ करने के लिए हगी मिल गया
तब तो भाई मेरी नौकरी गई। आई मीन मतलब मैं तब से नहीं करूंगा ये बोल रहा हूँ, वैसे मैं अभी भी नहीं करता हूँ। झूठ मत बोलो, अभी शाम को ही करा था। अरे यार तू मेरी पोल क्यों खोल रहा है। ठीक है तो हगी तेरा एक बहुत अच्छा काम है, चौप एक मिनट इधर आ, मैं समझ गया। अरे भाई ये तो कुछ ज्यादा ही तेज निकला। ठीक है हगी देखते को कुछ खास नहीं करना है, बस ये जो पॉटी है ना इसे आज से रोज साफ करना है। ये रोज का नहीं सिर्फ एक दिन का ही चैलेंज है। हाँ तो तू एक दिन के लिए तो मान रहा है ना ये बात, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। अरे भाई गाइस ये हमारी बात मान गया। भाई चौप थोड़ा साइड हो जा, अब हमारे सर को उसका काम करने दो। खाका सर ये तो सिर्फ आई मीन हाँ करो भाई। ओ भाई गाइस बंदा स्टार्ट कर दिया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था गाइस, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे लगा था ये हो जाएगा गुस्सा और चौप पे ये बहुत भारी पड़ेगा, लेकिन गाइस जिस लगन से ये बंदा कर रहा है ना मतलब मेरा तो दिल खुश हो गया भाई। अब एक काम करते हैं इसे छोड़ते हैं अपन आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टर्न किसकी है? इसमें तो मजा आया, अगली टर्न मेरी ही है, मैं जाऊंगा। अच्छा ठीक है भाई जा जा। गाइस अभी चौप जा रहा है, देखते हैं चौप का क्या आता है। गाइस फाइनली मेरी बारी है, चलो। अरे बाप रे ये तो बहुत तेज घूमता है, इसे देख के मुझे चक्कर आ रहा है। अरे ये तो नेबर वाले अंकल निकले। अरे ये पड़ोसी वाले अंकल क्यों मिल गए? अब पहले तो मुझे डोर गेस करना पड़ेगा, बस गलत डोर ना हो, मैं बीच वाले में ही जाता हूँ। मैं तो बोलता हूँ लेफ्ट जा। अरे भाई मैं बोलता हूँ कि राइट चला जा, चौप मेरी बात समझ, मैं कभी गलत बताया तेरे को? तुम सिर्फ गलत ही बताते हो, और शिनचान तुम पे तो मुझे यकीन ही नहीं है। अरे मैंने क्या कर रहे तेरे साथ? क्या नहीं किया है ये बताओ। गाइस मैं तो बीच में ही जाऊंगा, 3 2 1 लेट्स गो। अंदर कोई है क्या? मैं ये कहाँ फंस गया? बाप रे भाई तुम जो भी हो मिल जाओ, मुझे इतना डर लग रहा है कि मैं अंदर आ नहीं पाऊंगा। भाई चौप तेरे को अंदर तो जाना ही पड़ेगा, जल्दी से अंदर जा। गाइस तो अभी सीन ये हो गया कि चौप चले गया यहाँ, और मैंने अभी चेक किया है जो हेलो नेबर वाला बंदा था उसका डोर ये है, ये देखो बंदा पीछे खड़ा है और चौप यहाँ चला गया। इसका मतलब चौप ने एक बहुत ही गलत एंट्री मारी है, अब उसके साथ सब बेकार ही होगा। लेकिन अभी भी वो फोन में हमारे साथ टच में, पर अपन उसको ये बात बताएंगे नहीं, थोड़ी देर तक उसके साथ प्रैंक करते हैं, उसके बाद उसे एंड में बताएंगे और देखते हैं उसका रिएक्शन। चलो देखो रात होने आई, चुप तूने ली अंगड़ाई, फिर किस बात की है लड़ाई। अरे बेसुरे बेसुर के साथ तो तू गलत बिगा रहा है। तुम चुप रहो, मुझे डर लग रहा है, डर को भगाने के लिए गाना को गाना पड़ता है। अचानक से रात हो गई। अब गा भाई रात होने आई। गाते रहे गाते रहे। तुम कहा? अरे बाप रे कौन है मेरे आसपास? जो भी हो तुम जल्दी निकलो, मुझे डर लग रहा है। भाई चौप तेरे को एक बात बताना था। क्या हो गया जल्दी बताओ। अरे बाप रे सारन है। एक मिनट भाई ये क्या हुआ चौप के साथ? गाइस अभी बहुत जोर से आवाज आई मेरे को फोन पे, और फोन भी टूट चुका है हमारा, चौप से कोई संपर्क नहीं है। भाई पता नहीं वहाँ पे क्या हुआ, लेकिन कुछ तो खतरनाक हुआ। और एक मिनट हगी हगी का सीन कुछ अलग है भाई। ओके इसका काम कंप्लीट हो गया है। मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ, और अगली बार से मैं कभी नहीं आऊंगा। अरे भाई ये तो दिल पे ले लिया। ठीक है बेचारा जा रहा है गाइस, लगता है इस बंदे की ईगो ही हर्ट हो गई। अरे तुम ही सोचो ना, किसी की इतनी बेजती होगी तो उसकी ईगो हर्ट कैसे नहीं होगी। मैं ही जानता हूँ बेजती के बाद कैसा लगता है। तू क्या भाई, मैं खुद जानता हूँ, ये चौपर शिनचान को झेलना भाई इतना आसान नहीं है गाइस। अरे वाह गाइस फाइनली मेरी बारी, लेट्स गो। अरे बाप रे बाप, देखते हैं क्या आता है, कोई अच्छा ही आ जाए, वैसे तो सारे ही खराब है। अरे फ्रेडी चाचा जी, फ्रेडी चाचा जी कहाँ से आ गए? अरे ये आए या ना आए, ये अभी तक भागे क्यों नहीं? अरे चलो भागो। अरे बाप रे बेचारे तो भागने ही लग गए, लगता है इन्हें दिल पे ही लगी है गाइस। गाइस इसके पहले कि मैं गलत डोर चूज कर लूँ और मेरा भी चौप जैसा हाल हो जाए, पहले मैं अच्छे से सोच लेता हूँ कि मुझे कौन से डोर पे जाना है। चलो लेफ्ट में चलता हूँ, 3 2 1 लेट्स गो। अरे ये मैं कहाँ गया? लगता है मैं सही जगह आया हूँ, इनसे ही पूछता हूँ। अरे यह तो बहुत लंबी लाइन लगी है, इस लाइन को छोड़ो और लाइन को तोड़ो। अरे चाचा जी आपको पता है कि फ्रेडी साहब कहाँ मिलेंगे?
हाँ वो ऊपर चला गया। अरे क्या वो नहीं रही? अरे नहीं, ऊपर एक पार्टी हो रही है बेटा। अच्छा ठीक है। अरे वाह वो देखो गाइस। अरे बापरे मैं बहुत मुश्किल से पहुंचा हूँ, अब यहाँ पे फ्रेडी चाचा को खोजना पड़ेगा। बापरे मैं तो बहुत ऊपर आ गया हूँ गाइस, मुझे डर भी लग रहा है। लगता है नीचे जाने का रास्ता वो है, लेकिन उससे पहले फ्रेडी चाचा को खोजना पड़ेगा। और मेरे पास सिर्फ 2 ही मिनट है। अरे यार सब हट जाओ। गाइस धीरे से अंधेरा हो गया, मुझे डर लग रहा है। आर्यन भाई। हाँ मैं तेरे साथ फोन पे हूँ, तू डर मत। मैं डर तो लग रहा है ना। अरे यार फ्रेडी चाचा जी प्लीज मिल जाओ। गाइस लगता है मेरा टाइम खत्म हो रहा है और ये फ्रेडी चाचा ना ही मिल रहे। मैं वापस जा रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। अरे वाह फाइनली आई एम बैक। अरे चुप तू भी आ गया। हाँ मेरे साथ बहुत बुरा हुआ भाई, मत पूछो। अच्छा ठीक है। मैं पूछा ना लेकिन तू नहीं तो बोला। अरे चौप से पहले तेरे साथ क्या हुआ, तू डर के क्यों आ गया, तेरे पास टाइम भी बचा हुआ था। अरिन भाई मुझे अकेले डर लग रहा था। गाइस आपको भी अकेले डर लगता है तो मुझे कमेंट में बताओ, आप भी मेरे भाई हो क्या। भाई देख अब तूने फ्रेडी को नहीं खोजा है, अभी किसी भी वक्त फ्रेडी आएगा और अब वो जो चाहे वो तुझसे करा सकता है, तू समझ रहा है। भाई साहब फ्रेडी किसी भी वक्त आता ही होगा। ओके फ्रेडी इज हियर। मुझे डर लग रहा है। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू विल जस्ट सिंग एंड से। क्या इसका मतलब? अब से शिनचान को जो भी बोलना होगा उसे गा के बोलना पड़ेगा, देखते हैं। अरे यार मुझसे ये हो नहीं पाएगा, माफ करना। इतनी बेसुरी आवाज, अपना मुंह जरा बंद करना। जब शायद मेरी होगी बेसुरी आवाज, लेकिन तेरे मुंह से आती है बदबू जैसे कि तूने खाया हो प्याज। अरे भाई चुप कर जा, भाई चुप कर जा। गाइस अभी तक ना मेरे अलावा लोग कुछ सही नहीं किए, अभी आलोक को देखते हो। गाइस एक काम करते हैं, आलोक को थोड़ा ट्रिगर करके थोड़ा पंप कर देते हैं ताकि बंदे को हल्का सा गुस्सा चढ़ जाए, ठीक है। भाई आलोक देख अभी तक ना सिर्फ मैं ही हूँ जो सही कर पाया है और ये लोग भाई सब बिगाड़ रहे, और मुझे तुझसे भी कोई खास उम्मीद है नहीं। क्या क्या कहा, मुझसे उम्मीद नहीं है? क्यों नहीं है मुझसे उम्मीद? भाई मुझसे उम्मीद रखो, मैं बहुत अच्छा करता हूँ। अच्छा ठीक है तू जा, देखते हैं तेरा क्या आता है। अरे यार आखिरी ही सही, पर मेरी बारी आई तो चलो गाइस घुमाते हैं, पता नहीं क्या आएगा। 3, 2, 1 लेट्स गो। अरे यार पेनीवाइज ये मेरे में क्यों आ गया, सबसे डरावना दिखता है ये। अरे बाप रे ये पेनीवाइज मिल गया। पहले तो डोर चूज करने दो, अगर गलत डोर पकड़ा है ना तो फिर मैं नहीं पकड़ाऊंगा कभी वापस। अरे यार चलो अंदर चलते हैं। 3, 2, 1 लेट्स गो। अरे अरे बाप रे बाप, गाइस ये मैं कहाँ पहुँच गया, लगता है अब उसे खोजना ही। अरे यहाँ तो नहीं है। अरे ये लोग डर रहे हैं। अरे भाई आराम से, बेचारा पूरा भीग गया। भाई देख भाई तू आराम से जा, क्योंकि अगर तेरे सामने पेनीवाइज आ गया ना तो मुझे नहीं लगता तू भाई बच पाएगा। अरे यार तुम ऐसा सोचते हो, अरे दो पेनीवाइज को, उसे तो मैं कच्चा चबा जाऊंगा कच्चा। अरे आलोक चाचा जी उसे कच्चा चबाने से अच्छा कच्चा बादाम सुन लेना। अरे ठंडा पानी। अरे भाई बच गया, यहाँ पे एक याच है, चलो उस याच में जाकर देखते हैं। ओके तो पहली बात वो याच नहीं यौच होता है। अरे यार जो भी हो तुम्हें समझ तो आ गया ना। हाँ हाँ ठीक है भाई, तू इतना गुस्सा क्यों करता है गाइस आजकल ना, मैं देख रहा हूँ ये बहुत गुस्सा कर रहा है। ओके ओके आराम से भाई आराम से जाइयो। अरे यार मैं कितने भी आराम से जाऊं पर मुझे डर तो लग ही रहा है ना। डर क्यों लग रहा है? अरे कौन है? अरे बाप रे चाचा, अरे सायरन हेड माफ करो भैया। अरे गाइस लेकिन 1 मिनट पेनीवाइज नहीं मिला तो सायरन हेड तो मिल गया इसको एटलीस्ट। अरे वही तो, गया पेनीवाइज भाड़ में, ये ले बेटे। ओके ठीक है गाइस, हमारा आलोक खाली हाथ नहीं लौट रहा है भाई, कम से कम वो सायरन हेड को लेके आ रहा है। ठीक है चल पेनीवाइज गया भाड़ में, तू वापस आ जा भाई। हाँ ठीक है गाइस चलो वापस। अरे वाह भाई मेरे अलावा अगर कोई और है ना तो वो तू ही है जिसने भाई एक्चुअली में सक्सेसफुली ये चैलेंज किया है, वरना कुछ तो डोर ही गलत चूज कर लिए और कुछ तो डर के वापस आ गए। आप मत मारो ताना वरना आपके मुंह में होगा दाना। अरे भाई तू ऐसे ही बकवास बकवास गाने गाते रहेगा क्या? अब क्या करूँ, वो फ्रेडी चाचा जी मुझे बोल कर गए है कि जो भी बोलोगे गा के बोलना। हाँ ठीक है तू गा के बोल, क्या डेयर देता है। तो भाई तूने अपना डेयर सोच लिया?
अरे हाँ, पूरे 1.5 घंटे से सोचने के बाद मैं इस कंक्लूजन में आया हूँ कि मैं इसे नागिन डांस कराऊंगा। क्या मतलब, दुनिया में इतनी सारी चीजें थी जो तू करा सकता था, इतने सारे ऑप्शन थे, उनमें से तूने नागिन डांस चूज किया। सैरन हेड, तेरा डेयर ये कि तुझे नागिन डांस करना है और बीन जो है वो आलोक बजाएगा। अरे ये तो मैंने बोला ही नहीं। हाँ लेकिन मैंने तो बोल दिया ना। अब ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, स्टार्ट करते हैं फट से। ओके गाइस, लगता है डांस चालू हो गया। ओके ओके, आलोक को देखो। अरे बस कर भाई, कितना नाचेगा। अरे भाई थोड़ी तो वैल्यू कर, बेचारा इतना पतला दुबला सा है। हो भाई, तो फाइनली लगता है सबकी टर्न हो गई। फिर से तुम कुछ भूल रहे हो। शायद ये अरे ये नहीं भाई, मार देते हो मुझे। अरे मस्ती है, प्यार से मार रहा हूँ। अरे मेरे को पता नहीं था कि मैं जूता पहना हूँ। देखो तो मैं लाज से प्यार करता ही हूँ ना चौप। ऐसा प्यार मुझे नहीं चाहिए, तुम जो भूल रहे हो वो निर्मा है। अच्छा ऐसा, सीधा बोलता तो लात नहीं खाता ना तू। अब से सीधा ही बोलूंगा भाई। ठीक है गाइस, चॉप ने एक नया लेसन सीख लिया आज। चॉप ने सीखा है एक लेसन, अब वो नहीं खाएगा लेसन। और गाना इतना बेसुरा गा रहा ना गाइस, वो सब छोड़ो। तो चॉप, मिस्टर चॉप, आप क्या निर्मा के बदले जाना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। हाँ ठीक है, एक्सपेक्टेड। तो निर्मा बेस्ट ऑफ लक। अरे भाई एक मिनट, ये तो मतलब बिना सर्कल घुमाए, बिना व्हील घुमाए कैसे जा रही है ये? ओके ओके ओके, बिना व्हील घुमाए। एक मिनट भाई, तेरी निर्मा गायब भी हो गई है। मुझे तो लगता है हमने पेनीवाइज को नहीं ढूंढा तो वो गुस्सा होके मेरी निर्मा को ले गया। अरे वो गुस्सा हो क्या, निर्मा खुद भागी है तुझसे। मुझसे नहीं भागी है, ऐसा ना बोलो। अच्छा ठीक है ठीक है गाइस, प्रॉब्लम हो गया, अब निर्मा को जाके बचाओ। क्या यार, ये चॉप और निर्मा के बीच में ना मैं पिसा रहा हूँ गाइस। लेकिन गाइस अगर आपको भी चॉप पसंद है तो भाई एक लाइक मार दियो, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सबसे पहले तो सब्सक्राइब करो भाई, अब तो सब्सक्राइब करना बनता है यार। चलो ठीक है, अपन सारे चलते एक साथ निर्मा को बचाने। ठीक है, मिशन सेव निर्मा स्टार्टिंग 3, 2, 1 लेट्स। एक मिनट, अपन फिर से वही आ गए। इसका मतलब गाइस पिछले बार आलोक जब यहाँ ढूंढने आया था पेनीवाइज को, उसने कुछ ना कुछ तो मिस्टेक कर रखी है। अच्छा ठीक है, जैसे तैसे तो अपन ऊपर आ गए। अरे तुम लोग पहले से ही ऊपर कैसे पहुँच रहे हो? निर्मा को बचाने की शक्ति मेरे अंदर बहुत है। गाइस अगर ये सारी जगह पेनीवाइज की है तो इसका मतलब अगर हमें निर्मा को ढूंढना है थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, और पेनीवाइज के पास बहुत ज्यादा दिमाग नहीं है। हाँ लेकिन थोड़ा बहुत है गाइस, तो अगर उसने निर्मा को कहीं छुपा के रखा है तो ओके। गाइस स्विमिंग पूल हमारा बहुत पुराना साथी, आपको तो पता ही है, तो एक बार ये स्विमिंग पूल में चेक करते, लेकिन अपन नहीं जाएंगे। चॉप एक मिनट इधर आ। क्या हुआ मास्टर, आपने बुलाया और मैं चला आया? एक काम कर, इस पानी में कूद। ओके, और निर्मा को खोज ले। ओके मास्टर। गाइस निर्मा की बात है ना। निर्मा मुझे मिल गई। अरे वाह, मैंने तुम्हें खोज ही लिया निर्मा। ये लेकिन अगर आप चाहते हो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में पेनीवाइज को खोजे और इस मिस्ट्री व्हील चैलेंज का सेकंड पार्ट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना भाई। तो गाइस आज की वीडियो में तो इतना ही था, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।